क्या नाम है आपका? असलम। असलम जी, असलम जी, जो ये रावण बनाने का आपका जो बिजनेस है जी, कितने दशकों से चला आ रहा है ये? हमारे तीन पीढ़ी से मेरे सामने चलता आ रहा है। पहले हमारे बड़े बनाते थे बाप दादा, अब हम बनाते हैं। अब मेरे साथ मेरे बेटे लगे हुए चार, मेरे बाद वो बनाएंगे। क्या क्या नाम है चारों के? बड़े का अकरम है, छोटे का खुर्रम है, उससे छोटे का सलमान है, उससे छोटे का अदनान है। चारों लगे हुए यहीं पर। कितने कितने फिट के पुतल? सबसे बड़ा है रावण का पुतला है 130 फुट का, उससे छोटा 120 फुट का है, उससे छोटा 100 फुट का है, उससे छोटा 80 फुट का है। एक मुस्लिम होने के नाते इस चीज का आप कारोबार करते हैं क्या मन के अंदर क्या प्रेरणा मिलती है इस चीज से? नहीं तो घर दो पहले से हमें बचपन से पसंद रहा है काम, तो इसमें कोई भेदभाव वाली तो कोई बात ही है नहीं। उसके बाद में रोजी रोटी भी हमारी यही है, हम लोग तीर कर रहे हैं, यही काम करने वाले हैं सजावट का, तो इसलिए कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, कोई हम वो नहीं उठाते इसमें भेदभाव। ना चले कोई, हमने यहाँ 82 में 87 में कर्फ्यू लगा हुआ था, मैंने जब भी यहाँ काम किया ना हमें कोई डरता यहाँ पे, ना किसी ने साथ में हमारा भेदभाव करा। अच्छा, जो जो रावण बनाने की प्रक्रिया है, कब से कितने दिन पहले जुड़ जाते हो इस काम के अंदर? पूरे एक महीने पहले, एक महीने में तैयार हुए यहाँ पे चार पुतले। कुंभकर रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, ताड़का भी थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चार घोड़े के रथ पर सवार है, और जो रावण का मुंह है वो फाड़ता हुआ है, मुंह फाड़ेगा बंद करेगा, खोलेगा बंद करेगा, खोलेगा बंद करेगा। तो आसपास के मेरठ के ही रावण बनाते हो, आसपास के जिले के भी और जिलों के भी आपके पास काम आ जाते हैं? जाते हैं बाहर करने, मैं भी पहले कई बार जा चुका हूँ बाहर, और हमारे जो खानदान के लोग गए हैं, बहुत लोग गुजरी बाजार के रहने वाले हैं सब, जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए बड़े बड़े दिन। आसपास के जिले में कहाँ कहाँ आपने काम किया है पहले? देहरादून, दरखे में काम किया मैंने, देहरादून, लुधियाना में काम किया, इसमें अम्बाले में भी किया एक बार, हरियाणा में करके आया दिल्ली बॉर्डर पर, वहाँ पर भी बनाया, कई जगह बनाया वैसे। तो कुल मिलाकर आपकी ये रोजी रोटी का एक पूरा? जी जी हाँ। तो इसी से पूरा साल भर का गुजारा चलाते हो? हाँ। इसके अलावा भी कोई और काम करते हो? नहीं, वैसे फ्लावर का काम है हमारा, ब्याह शादी में गेट स्टेज मंडप का फ्लावर का काम है, और जो भी धार्मिक काम होते हैं जैसे कि सवारी निकलती है उसमें ठेले सजाते हैं, या कोई मंदिर का काम आ जाता है मंदिर पर काम करते हैं, कावड़ के डैम पर कावड़ बनाते हैं, होली के डैम पर होलिका बनाते हैं होली के लिए, तो यही काम है, मतलब धार्मिक काम से जुड़े हुए हम लोग। तो धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं। आपको रोकता टोकता नहीं है? कोई नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ब्याह से मेरे लोग बुला के लाए शहर से, मैं यहीं रहा, बनाया मैंने, यहीं फूका, इसी तरह 87 में हमें कोई भेदभाव नहीं मिला, हमें कोई परेशानी आ चला, सबका सहयोग बहुत बढ़िया है।